हेलो स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट मैथ्स पार्ट टू। टुडे टॉपिक इज लेट्स अनटाई ए 10 इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने पहले वीडियो में सब्ट्रैक्ट करना सीखा था सिंगल नंबर में से, सिंगल डिजिट नंबर थे। बट अभी हमें क्या करना है, बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ पे हमें टेंस है, यूनिट नंबर यूज करेंगे। अनटाई, अनटाई मीन्स जैसे हम लोग पहले एक स्टिक लेते हैं तो उसको बांधते हैं, तो वो बंडल को टाई करते हैं। सब स्टिक्स को एक साथ बांधेंगे तो टाई हो जाता है, तो वो स्टिक, वो बंडल को ओपन करेंगे तो अनटाई। ऐसे हमने पहले टेंस बनाने के लिए नंबर्स का यूज किया था, अभी हमें जो 10 है उसको ओपन करने के लिए अनटाई करेंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 1, बाय अनटाइंग और बोरिंग और ओपनिंग आउट ए 10। हमें इसको, इसमें से किसको ओपन करना है, 10 को। अंडरस्टूड? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे नंबर दिए है हमने 22 माइनस 7। 22 माइनस 7 इज इक्वल टू डैश। हमें यहाँ पे आंसर राइट करना है। फर्स्ट हम लोग राइट करेंगे टेंस एंड यूनिट्स। टेंस एंड यूनिट्स, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 टेंस एंड 2 यूनिट्स। अंडरस्टूड? सो माइनस 7, 7 क्या है, सिंगल डिजिट है, ये यूनिट की प्लेस पे यूज होगा। सो 2 माइनस 7 होता है नो, यहाँ पे हम लोग साइन डालेंगे माइनस का। ओके, 2 माइनस 7 नहीं होता है क्योंकि 2 इज स्मॉलर नंबर, 7 इज बिगर नंबर। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बोरिंग करना है, इसको टेंस को ओपन करना है। तो 10 को कट करके हम लोग 110 राइट करेंगे। यहाँ पर 110, यहाँ पे 110 हो गया, तो यहाँ पे जो 110 है हम यहाँ पे करेंगे। 110 मींस यहाँ पे वो यूनिट की जगह पे जाकर, प्लेस पे जाकर वो 10 यूनिट होता है। 10 प्लस 2 तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग वो 10 राइट करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 2 टेंस एंड 2 यूनिट्स एंड नीचे माइनस करने के लिए 7 यूनिट है। तो 2 इज स्मॉलर नंबर, 7 इज बिगर नंबर। तो 2 में से 7 माइनस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, टेंस के पास से हम लोग हेल्प लेंगे। जो 2 है टेंस से हेल्प लेगा, तो ये कट करके 110 हो जाएगा। वो 110 यहाँ पे जाएगा, तो ये कट करके ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे नंबर हमारे पास हो गया 12। कितना हो गया, 12। 12 माइनस 7, काउंट द फिंगर, फिंगर 12 लेंगे, उसमें से माइनस 7 करेंगे तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। इसकी हेल्प के लिए आप यहाँ पे डॉट भी डाल सकते हो या लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 माइनस 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 माइनस किया, 1 2 3 4 5 5 बैलेंस बचे हमारे पास, लेफ्ट कितने हैं, 5। ओके, यहाँ पे 10 है, 110 बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पे जो कट किया था 2 टेन, हमारे पास 110 था, तो अभी हम नीचे कोई नंबर नहीं, इसलिए 110 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया 110, 5 यूनिट मीन्स 50 नंबर। 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 15। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर 30 माइनस 9 इज इक्वल टू डैश। सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे राइट करेंगे टेंस, टेंस एंड यूनिट्स। अंडरस्टूड? टेंस एंड यूनिट्स राइट करेंगे, नंबर राइट करेंगे 3 टेंस 0 यूनिट। अंडरस्टूड? ओके, सो माइनस कितना करना है, 9 माइनस करना है, साइन डालेंगे हम लोग राइट करेंगे यहाँ पर। सो 0 माइनस 9, यूनिट प्लेस पे देखेंगे 0 और 9 है। 0 इज स्मॉलर नंबर, 0 मीन्स नथिंग, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, और 9 कैसे माइनस हो जाएगा। सो हम लोग 0 जो यूनिट है 3 टेंस से हेल्प लेगा, तो टेंस उसकी हेल्प करेंगे, यहाँ पे कट करके 2 टेंस हो जाएंगे। और जो 1 है 110 यहाँ पे जाएगा, 0 कट करके यहाँ पर 10 हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो
10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। 10 में से हमें 9 को माइनस करना है तो आंसर हमारे पास 1 रहेगा। यहाँ पे 2 10 से हमारे पास बाकी है तो नीचे कोई भी नहीं है, हम लोग 2 को डायरेक्ट राइट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो गया 2 10s 1 यूनिट। सो राइट करेंगे 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। क्वेश्चन दिया है 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डैश। यहाँ पे हमें बॉक्स में आंसर राइट करना है। फर्स्ट हम लोग ड्रॉ द बॉक्स, राइट द टेंस एंड यूनिट्स इन द कॉलम। सो ये सेकंड जो बॉक्स है उसको हम लोग ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पे हम लोग नंबर राइट करेंगे 1 6 16। 1 6 16 मीन्स 1 10 6 यूनिट एंड माइनस करना है 7 यूनिट्स। तो माइनस करेंगे, साइन डालेंगे माइनस का, 6 माइनस 7 नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग, ये 10 से हेल्प लेंगे, 10 को कट करेंगे और 6 जो है 10 की हेल्प से यहाँ पे उसके पास यहाँ पे कट करके 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। सो स्टूडेंट्स अभी हम 16 माइनस 7 करेंगे, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे 10 हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर इज देयर 46 माइनस 18 इज इक्वल टू डैश। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉलम, टेंस एंड यूनिट्स राइट करेंगे और ये बॉक्स ब्लैंक रखेंगे, नीचे नंबर राइट करेंगे 4 6 46 मीन्स 4 10s 6 यूनिट्स एंड 8 1 8 18 1 10s 8 यूनिट्स। तो माइनस का साइन डालेंगे यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स 6 माइनस 8 नहीं होता है, 6 इज स्मॉलर नंबर, 8 इज बिगर नंबर, तो यूनिट हेल्प लेगा 10s की, तो 10s हेल्प करेगा यूनिट्स का। तो हम लोग यहाँ पे कट करके 3 10s लिखेंगे, 1 10s वहाँ पे चला जाएगा। तो 1 नंबर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 1 10 और ये 6 नंबर ऊपर राइट करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर हो गया 16। ओके, 16 माइनस 8 तो आंसर इज 8। अंडरस्टूड? नेक्स्ट नंबर इज देयर 3 10s 3 10s माइनस 1 10s। तो हमें यहाँ पे 1 10 माइनस करना है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर 92 माइनस 53 इज इक्वल टू डैश। राइट करेंगे यहाँ पे टेंस एंड यूनिट इन द कॉलम, ब्लैंक बॉक्स छोड़ेंगे, नीचे राइट करेंगे नंबर डिजिट 9 2 92। ओके, नेक्स्ट नंबर इज देयर 53 53 53, साइन डालेंगे यहाँ पर। सो 2 माइनस 3 होता है बच्चों? नो, क्योंकि 2 इज स्मॉलर नंबर, 3 इज बिगर नंबर। सो यहाँ पे हमें 2 हेल्प लेगा 10s की, 9 10s है, यहाँ पे हम लोग 8 10s रखेंगे और 1 10 यूनिट को देंगे। ओके, तो ये 2 कट करके ये 2 भी यूनिट के साथ ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 12 यूनिट्स हो जाएंगे। 12 यूनिट्स माइनस 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, टेल मी। ओके, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो 8 माइनस 5, यहाँ पर 8 10s है और नीचे 5 10s है, माइनस करना है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज 39। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डैश। कितना आएगा यहाँ पे, क्या आंसर आया था हमारे पास 9। 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं रहता। 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। 46 माइनस 18 इज इक्वल टू डैश। कितना आया था माइनस करके, आंसर इज 28। राइट है 28। नेक्स्ट 92 माइनस 53 इज इक्वल टू डैश। सो माइनस किया था 92 माइनस 53, आंसर इज 39। राइट हेयर 39। अंडरस्टूड?
सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व करना है, ये भी समय सब्ट्रैक्शन के, ये आपको खुद करना है। 40 माइनस 11, राइट द नोटबुक। सो स्टूडेंट पहले आप ऐसा राइट करोगे, सॉल्व करेंगे 40 माइनस 11, तो यहाँ पे आपको ऐसा ही टेंथ यूनिट का कॉलम ड्रॉ करना है, उसमें नंबर राइट करना है, फिर माइनस करना है। 40 माइनस 11, 40 माइनस 11 कैसा करेंगे, जीरो में से वन माइनस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 10 करेंगे, इसमें 4 को कट करके 3 करेंगे, 3 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 तो 9 आएगा, और यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 तो 2, ऐसा उसका आंसर आएगा। बट आपको ऐसा टेंस यूनिट का कॉलम तैयार करके राइट करना है। 40 माइनस 11 इज इक्वल टू 29। यहाँ पे 14 माइनस 6, 14 को लेना है, यहाँ पे आपको 1 को कट करना है, टेंस को 0 रहेगा टेंस की प्लेस पे, और 4 है, 4 को कट करके आप 14 लिखोगे, 14 माइनस 6, तो आंसर इज 8। अंडरस्टूड। लास्ट इज देयर 36 माइनस 17। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 नंबर इज स्मॉलर, 7 इज बिगर नंबर, सो 3 को कट करके ऊपर 2 राइट करेंगे, 10 बचेंगे, और यहाँ पे 16 हमारे पास ये हो जाएंगे यूनिट, तो 16 माइनस 7 आंसर इज 9, एंड 2 यहाँ पे रह जाएगा 10, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 30 माइनस 17 इज इक्वल टू 19। सो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, ऐसे आप और भी नंबर राइट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।